हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? दोस्तों कैसी चल रही है डीडीएससी आईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन? दोस्तों आज भी हम आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं पेपर फाइव के। पेपर फाइव हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए अगर हम पेपर फाइव की बात करते हैं तो पेपर फाइव जो है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा पेपर है। बहुत बड़े का मतलब है कि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पेपर फाइव अगर देखा जाए तो एक लार्ज टॉपिक्स आ जाते हैं उसमें, क्योंकि हर यूनिट्स में आपको अलग अलग यूनिट्स है। क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। मेजर डेवलपमेंट हो गया आपका, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई, ठीक है, और हमारे जितने भी अगर बात करें थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ठीक है, सारे थ्योरीज है इसमें। फिर आपका बिहेवियर मैनेजमेंट भी है। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें दोस्तों तो बहुत बड़ा है अपने आप में। तो आज हम पेपर फाइव से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं तो वो क्वेश्चन अगर हम बात करें कि पेपर फाइव को कवर कर रहे हैं तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पेपर फाइव को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों पेपर फाइव के लिए हम टू क्लासेस करेंगे, जिसमें हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट भी उसमें आ जाए, आपका एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कवर हो जाए, बाकी मेजर डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों आज जो है वो मैंने सारे टॉपिक्स से कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, आपको इंक्लूड कर रखे हैं, लेकिन पेपर फाइव के हम टू क्लासेस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मतलब जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन, उनके लिए हम दो क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आज कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर फाइव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्योंकि पेपर फाइव में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो उन सबको अलग अलग तरीके से हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज भी हम 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो कि आपके पार्ट ए पार्ट बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए हमारे, ट्रू एंड फॉल्स हो गए या फिल इन द ब्लैंक्स हो गए या फिर आपके मैचिंग्स आएंगे, ठीक है। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, दो नंबर के जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे उनके लिए भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों उन सभी के लिए हम कुछ क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से सभी को पता है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पेपर फाइव की ध्यान रखना, दो क्लास करनी है हमने। अगर मैं ना कराऊं तो आप एक बार रिमाइंडर देंगे मुझे कि मैम आपने नहीं कराया है। तो दो क्लासों में हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे, ठीक है। और मुझे मैसेज आ रहा था कि मैम मैचिंग टाइप क्वेश्चंस करा दीजिए, ट्रू एंड फॉल्स। एक बार हम जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम जो कुछ क्वेश्चन टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, ट्रू एंड फॉल्स के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या मैचिंग के लिए हमें ठीक रहेगा, तो एक बार ये कर लें। आज पेपर फाइव रह गया, एक पेपर फाइव का हमने सेकंड क्लास करना है और पेपर सिक्स का। उसके बाद हम पेपर फर्स्ट का मैचिंग कराएंगे आपको, फिर उसके बाद हम ट्रू एंड फॉल्स कराएंगे पेपर फर्स्ट के। इसके अनुसार हम मतलब क्लास आपको लगातार कराते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा दो नंबर वाले जो प्रश्न होंगे, अति लघु प्रश्न है, वो भी कवर हो जाएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और हमारे मैचिंग से ट्रू एंड फॉल्स जो भी रहते हैं वो भी हमारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि क्लास हमारी अब प्रिपरेशन की कंटिन्यूटी में चलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, समस्या व्यवहार के दो कारण लिखिए। बिहेवियर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, समस्या व्यवहार के दो कारण। समस्या व्यवहार क्यों होते हैं? तो दोस्तों समस्या व्यवहार के दो कारण हैं, ठीक है ना। कौन कौन से कारण है? व्यवहारिक समस्या और दूसरा पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या और व्यवहारिक समस्या के दो कारण है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वहां पर आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, अगर आपको सही पता होगा तभी आप उसको सिलेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में हो या ट्रू एंड फॉल्स में हो, तभी तो आप उसको सही कर पाएंगे। मानव विकास किन दोनों व्यवहार के योगदान का परिणाम है,
ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, कहीं गुणनफल कह देते हैं, कहीं उसका परिणाम कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार करा चुकी हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, मतलब मिक्सअप क्वेश्चन चल रहे थे सभी पेपरों से रिलेटेड, तब भी मैंने आपको बताया था, पेपर 2 में भी ये क्वेश्चन कराया है मैंने, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है, और आज भी हो रहा है, लेकिन तीनों बार में हमने क्वेश्चन जो था अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, मानव का विकास वंशानुक्रम का और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, किसका, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है, क्योंकि बालक का विकास जो होता है, मानव का विकास होता है वंशानुक्रम के आधार पर होता है और उसके वातावरण के अनुसार होता है, ठीक है, जैसा उसको वातावरण मिलेगा उसके अनुसार उसका विकास होगा, ठीक है, जैसे उसका हेरिडिटरी रहा होगा उसके तरीके से उसका विकास होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, यह आपको आएगा निम्नलिखित में से कौन सी, उसमें ऑब्जेक्टिव टैग में आएगा कौन सी भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, तो आपको पता होना चाहिए स्वनेम, ठीक। क्वेश्चन 4 है, व्यवहारवाद का गठन कब हुआ, क्योंकि इसमें जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको इतने क्वेश्चन पूछने मिलेंगे कि किसका कथन था, ये किसने कहा है या इसके प्रतिपादक कौन है, इसीलिए हम इसके 2 क्लास करेंगे, ठीक है। कुछ मैंने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं वो मैंने इसमें मिक्सअप कर लिए हैं, लेकिन और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो क्लास 2 में भी करेंगे इसके। तो व्यवहारवाद का गठन आपका हुआ था 1913 में, ठीक है। व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं, व्यवहार व्यक्ति कितने प्रकार से प्रदर्शित करता है, व्यवहार 2 प्रकार के होते हैं, समस्या व्यवहार, कौशल व्यवहार। पहला है आपका समस्या व्यवहार, दूसरा है आपका कौशल व्यवहार, कौशल व्यवहार। अब यहां पर एक चीज आ जाता है दोस्तों कि अगर आपको यहाँ पर समस्या व्यवहार की जगह असामाजिक व्यवहार और सामाजिक व्यवहार अगर आपको देखने को मिले तो आप लगा देना। समस्या व्यवहार जो होता है, समस्या व्यवहार से हम कह सकते हैं वे व्यवहार जो स्वयं के लिए हानिकारक हो, दूसरों के लिए हानिकारक हो, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट ना हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं सामाजिक रूप से स्वीकृत ना हो, वे व्यवहार सामाजिक समस्यात्मक व्यवहार कहलाते हैं, ठीक है। कौशल व्यवहार भी है जो स्वयं के लिए सहायक हो, दूसरों के लिए सहायक हो, और हम कह सकते हैं कि एज एप्रोप्रिएट हो आपके, और हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, कौशल व्यवहार कहलाते हैं, यानी कि अडेप्टिव बिहेवियर और प्रॉब्लम बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 6, जी तथा एस तत्वों का प्रतिपादन किसने किया, जी का मतलब है जनरल यानी कि सामान्य, एस का मतलब है स्पेसिफिक या विशिष्ट। अब यहाँ पर तत्वों का मतलब है जीएस कारक जो थे, या तत्व आपको तत्वों की जगह आपको कारक भी मिलेगा, जीएस कारक का प्रतिपादक कौन है, ठीक है। जी का मतलब था यह जनरल इंटेलिजेंट, एस का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिक इंटेलिजेंट, या हम कह सकते हैं विशिष्ट, ठीक है, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। तो दोस्तों ये स्पेरमैन ने कहा था कि व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, एक सामान्य और एक विशिष्ट। तो ये किसने किया, स्पेयरमैन ने, स्पेयरमैन, ठीक है, इन्होंने कहा था कि 2 प्रकार की बुद्धि जो है 2 प्रकार की है, एक व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जो हर प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, और अगर किसी व्यक्ति में एक कोई कार्य अलग आता है, उसकी एक यूनिक क्वालिटी है, उसको उन्होंने एक विशिष्ट बुद्धि का नाम दिया, ठीक है ना। तो सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान किन क्षेत्रों में कार्य करता है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, या कौन कौन, अब आपको ये डिटेल में भी मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए, उसको परिभाषित, अर्थ एवं शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए अर्थ को स्पष्ट कीजिए एवं उसके क्षेत्रों को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी मिल सकता है इससे, और 10 नंबर में भी मिल सकता है, शॉर्ट में भी आपसे इसके
क्षेत्र पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको करा दिया है, लॉन्ग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के किन शिक्षा मनोविज्ञान जो है किन क्षेत्रों में कार्य करता है, केवल आपको इसमें से इनके जो क्षेत्र है उनको समझना है, पहचानना है, या ऑब्जेक्टिव टैब में आए, दो नंबर का क्वेश्चन पूछे, दो नंबर में आएगा तो आपको केवल लिखना होगा उसमें कि कौन कौन से क्षेत्र है, नाम लिखना है। एक तो हो गया विकास के क्षेत्र में, ठीक है ना, अब विकास हमारे सभी विकास आ जाएंगे, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेगत विकास हो, भाषा विकास हो, व्यक्तित्व विकास हो, जितने भी विकास है वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। संज्ञानात्मक या भावनात्मक विकास कह सकते हैं जिससे सभी सभी विकास आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया सीखने के क्षेत्र में, यानी कि अधिगम के क्षेत्र में कार्य करता है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। मापन के क्षेत्र में करता है और करता है मूल्यांकन के क्षेत्र में, मूल्यांकन, ठीक है ना। क्वेश्चन एट देखिए, व्यवहार परिमार्जन के प्रतिमान कौन है। दोस्तों प्रतिमान क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में भी, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। अब व्यवहार परिमार्जन, जब हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं किसके द्वारा करते हैं, किन प्रतिमानों का उपयोग करते हैं, तो हमने ABC जो मॉडल किया था वो व्यवहार परिमार्जन का क्या है, प्रतिमान है। तो कौन है, ABC ये प्रतिमान है इनका, ठीक है, जो ABC मॉडल जो है, यानी कि व्यवहार परिमार्जन करने के साथ साथ हम इस तरीके से उसके व्यवहारों को समझते हैं या व्यवहारों का परिमार्जन करते हैं। ए क्या है, एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववत, ठीक है, बिहेवियर यानी कि व्यवहार, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे जो व्यवहार समस्या व्यवहार कर रहा है, समस्या व्यवहार घटित होने से पूर्व क्या हो रहा है जिसके कारण बच्चा समस्यात्मक व्यवहार घटित कर रहा है, और उस समय में कौन सा व्यवहार कर रहा है उसको हम देखते हैं, और उसका परिणाम क्या निकलता है जब बच्चा समस्या व्यवहार करता है। तो ABC जो मॉडल है हमारा वह व्यवहार परिमार्जन का प्रतिमान है। आप केवल ABC लिख देंगे वहां पर, ठीक है। ABC अगर आपको ऑप्शन में ना मिले हिंदी में, पूर्ववत, व्यवहार, परिणाम भी अगर आपको मिले तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन 9 देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, विकास से रिलेटेड पूछा है। विकासात्मक, अब विकास की बात आ जाती है दोस्तों, दो ऐसे विकास हैं जिसके अंतर्गत हमारे अन्य सभी विकास से संबंधित होते हैं, तो किसके करता है, एक संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकास एवं गामक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट, गामक विकास, दो विकासों का अध्ययन करता है, कौन कौन सा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास और गामक विकास। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान पूछा था यहाँ पर, इसीलिए मैंने साथ साथ में दोनों क्वेश्चन किए हैं, आपको ध्यान रहे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ उन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान की बात की थी और यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। ये क्वेश्चन इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि पार्ट ए और पार्ट बी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन समझिए आप ये अपने, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है दोस्तों, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पेवलव किस संप्रदाय के समर्थक थे, यानी कि पेवलव किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो ये थे दोस्तों व्यवहारवाद के थे पेवलव जो है, व्यवहारवाद। और एक चीज आ जाता है, पेवलव ने किस पर प्रयोग किया था, तो किस पे किया था इन्होंने, कुत्ते पर किया था पेवलव ने, ठीक है ना, और बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था, और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर, संवेदी पेशीय अवस्था होती है, इन्होंने यहां पर अवस्था पूछी है कि संवेदी पेशीय अवस्था
कब से कब तक होती है या किस समय तक होती है, तो आपको उसमें क्या हो? ये क्वेश्चन आपको या तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा या फिर आपको मैट्रिक्स में मिलेगा, ठीक है। तो आपको बताना होगी, आपको ध्यान रखना है संवेदी पेशी अवस्था कहाँ से आया, जो जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाएं दी है उन अवस्थाओं की एक जो अवस्था है संवेदी पेशी, जिसे इंद्रिय जनित पेशी अवस्था भी कहा जाता है। ध्यान रखना, संवेदी पेशी अवस्था को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इंद्रिय पेशी अवस्था या आमोद प्रमोद अवस्था भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। इसके तीन नाम है, संवेदी पेशी अवस्था, आमोद प्रमोद अवस्था, आमोद का भी मतलब खुशी होता है, आमोद प्रमोद, ठीक है, और इंद्रिय जनित संवेदी और आमोद प्रमोद पेशी अवस्था, ठीक है। तो ये कब से कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अमूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? जैसा कि सभी जानते हैं दोस्तों कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। मूर्त बुद्धि हमने लास्ट क्लास में बात की थी, मूर्त बुद्धि किन किन व्यक्तियों में पाई जाती है, तो मूर्त बुद्धि जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, ठीक है, यानी कि जो मशीनों से संबंधित कार्य करते हैं या मशीनों से संबंधित ज्ञान रखते हैं, उन व्यक्तियों में यांत्रिक या मूर्त बुद्धि पाई जाती है। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं अमूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है, तो अमूर्त बुद्धि आप देख लीजिए जिनमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किन में पाई जाएगी? शिक्षक हो गए हमारे, ठीक है, लेखक हो गए हमारे, ठीक, कलाकार हो गए। कलाकार में आप कोई भी किसी भी कलाकार को ले लीजिए, ठीक है, वैज्ञानिक हो गए, इनमें क्या पाई जाती है दोस्तों? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, ठीक, इस तरीके से आप कर देंगे। 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जीन प्याजे, जीन प्याजे, ठीक है। स्कीमा सिद्धांत के जनक जो है, स्कीम और स्कीमा दो सिद्धांत इन्होंने दिए थे, इनकी ध्यान रखना इस चीज को, जहां स्कीमा और स्कीम्स देखे वहां पर जीन प्याजे लगा देना। 15 देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पेरमैन ने दिया है दोस्तों, स्पेरमैन ने। 16 देखिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है किसका कथन है? यानी कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है संवेग क्या है, एक नंबर में पूछ सकता है आपसे या दो नंबर में कहेगा संवेग को परिभाषित कीजिए, तब आपको बताना होगा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, जिसके अंतर्गत या हम कह सकते हैं जिसके दौरान वहां पर कोई भी उत्तेजित व्यवहार घटित होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसका कथन है? ये बुडवर्थ ने कहा है दोस्तों, बुडवर्थ ने कहा है, ठीक है ना। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, और संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के संवेग है, याद रखना इनको। 17 देखिए दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? जहां मनोविश्लेषणवाद की बात आती है, एक ही है जो है हमारे, कौन? फ्रॉयड, यानी कि इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड, फ्रॉड मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 18, मनोविज्ञान की दो विधियां लिखिए। मनोविज्ञान की कोई भी दो विधियां लिख दीजिए, कौन कौन सी है मनोविज्ञान की दो विधियां? तो दोस्तों एक तो हो जाएगा आपका सेवार्थी, सेवार्थी इतिहास, दूसरा हो जाएगा आकलन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 19 देखिए, विलोपन किस के लिए प्रयोग होता है? विलोपन क्या है? फेडिंग, ये हमारी शिक्षण विधि है एक, ठीक है ना, मेथड में, जिसमें हमने क्या शिक्षण विधियों में किया था, क्या बोलते हैं, विलोपन, ठीक है। विलोपन अवस्था क्या है? हम कोई भी व्यवहार जब सिखाते हैं, फेडिंग करते हैं, तो जो हम सहायता उसको दे रहे हैं समस्या व्यवहार को कम करने के लिए और कौशल व्यवहार बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको सहायता कर रहे हैं, तो उन सभी चीजों को धीरे धीरे फेड करना,
ठीक है ना, ब्लोपन है तो ब्लोपन माने हटा देना, तो ब्लोपन हम तब जब तक हम उसको सहारा देते रहेंगे नहीं सीखेगा, तो उसका पर्सनल व्यवहार बढ़ाने के लिए हम इसको हटा देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ब्लोपन किसके लिए प्रयोग होता है, तो समस्या व्यवहार को हटाने के लिए प्रयोग होता है, समस्या व्यवहार को हटाने के लिए। ठीक, 19 देखिए, चिंतन के प्रकार लिखिए। चिंतन के प्रकार कौन कौन से, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो दोस्तों चिंतन के तीन प्रकार हैं, एक तो आपका अभिसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन, और अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित होता है, अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बच्चों में पाया जाता है, और अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन सृजनात्मक बालकों से संबंध होता है, सृजनात्मक भी बोलते हैं, अपसारी या सृजनात्मक चिंतन भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपसारी चिंतन आपका, अपसारी और अपसारी, ठीक है। एक है आपका आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन तीन प्रकार का होता है, ठीक है, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। अपसारी चिंतन होता है आगमन विधि का प्रयोग करते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, और अपसारी चिंतन निगमन विधि का प्रयोग करते हैं सृजनात्मक बच्चे, आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। ये प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित है, ये सृजनात्मक बालकों से संबंधित है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। अब इसमें हमने जो कुछ, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बने, ठीक है, अब इसका जो पार्ट टू करेंगे, इसका मतलब पेपर फाइव के जो कुछ और टॉपिक्स रहते हैं जिनसे मुझे लग रहा है कि आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, तो हम उसको भी करेंगे, ठीक है, यानी कि पेपर फाइव के हम दो क्लासेस करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि पेपर टू के भी हमें और करना चाहिए, है ना। तो दोस्तों पेपर फाइव का एक बार डबल दो क्लास करेंगे हम, बाकी आज हमने कुछ क्वेश्चन जो थे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आप यूनिट फर्स्ट से या यूनिट सेकंड से, अगर हम बात करें आपके लॉन्ग क्वेश्चन की पार्ट बी सी के लिए और पार्ट डी के लिए, तो पार्ट सी में और पार्ट डी, पहला अगर हम बात करें दोस्तों तो एजुकेशन साइकिल से आ जाएगा आपका, साइकोलॉजी से आ जाएगा, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, इसमें आ जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान में आपसे, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में अगर पार्ट सी की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट करते हुए उसके क्षेत्र और उसकी प्रकृति को समझाइए, ठीक है, एक तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, और 10 नंबर में भी आपको डी में देखने को मिल जाता है, इसमें आपकी थ्योरीज पूछ ली जाएंगी, ठीक है, जो सिद्धांत है हमारे लर्निंग के, सिद्धांत भी इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, सिद्धांत हो गए। और अगर हम बात करें तो इसमें बाल विकास, यानी कि विकास के सिद्धांत भी आ जाएंगे, इसमें बाल विकास से भी संबंध आ जाएगा, बाल विकास जो यूनिट टू में है, बाल विकास से रिलेटेड जितना भी है इसमें आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें आपका आ जाएगा लर्निंग भी हो गया, नेचर डेवलपमेंट भी हो गया, और आपके 5 नंबर में तो मुझे लगता है इसमें कोई भी एक विकास पूछ सकते हैं, चाहे वो सामाजिक विकास पूछ लें, यानी कि सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, और आपका संज्ञानात्मक विकास पूछ सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास पूछ सकते हैं, संवेदनात्मक विकास भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ये कोई भी आपको तीनों में से एक पूछ लेगा। पेपर 10 अगर, हाँ इसमें एक ये चीज भी आ जाएगा, बहुत बड़ा है ये पेपर, एबीसी भी पूछ सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया प्रतिमान जो मॉडल है, व्यवहार परिमार्जन क्या है, व्यवहार समस्या व्यवहारों को बताइए, कुछ कॉमन बेसिक व्यवहार जो समस्या व्यवहार पाए जाते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स आपको कराए हैं पेपर फाइव के, आप उसको एक बार दोबारा देख लीजिए, वो क्लास आपको समझ आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन किससे बनना है, ठीक है। अगर पार्ट डी की बात करें जिसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा,
तो यूनिट फर्स्ट से और यूनिट सेकंड से आपका कोई भी टॉपिक फंस जाएगा, जिसमें पहला तो ये हो जाएगा और दूसरा बाल विकास से संबंधित आ जाएगा। बाल विकास या कोई भी एक मेजर डेवलपमेंट पूछ सकता है, जिसमें क्या है उनकी, जैसे कि इसमें पूछ लेगा सामाजिक विकास की स्टेजेस, सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या है, ठीक है ना, इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या 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 है, इस तरीके से आपको पार्ट, मतलब पार्ट डी का जो 10 नंबर का प्रश्न बनेगा इसमें से बन सकता है। आप एक बार उसको क्लास जरूर देखिए, जो मैंने पेपर 5 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें कराए यूनिट वाइज, उसको आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसका जो हमने पेपर 5 का दूसरा क्लास करना है वो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों ऑल द बेस्ट।